कोरोना वायरस का खौफ बरकरार। सिंध में कोरोना से मुतासर अफराद में इजाफे के बाद तालीमी इदारे 30 मई तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान और केपीके ने भी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। उधर पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। बढ़ते केसेस के बाद सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर तालीमी इदारों की तातीलात को 30 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दी गई छुट्टियों में गर्मियों, रमजान और ईद की तातीलात भी शामिल है। नवी और दसवीं जमात के इम्तिहानात भी मंसूख कर दिए गए। इम्तिहानात का आगाज 16 मार्च से होना था। सिंध हुकूमत कोचिंग सेंटर्स खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे चुकी है। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं की बच्चों का तालीमी साल खराब होने नहीं देंगे, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, तहम नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी खतरनाक वायरस के फैलाव के पेश नजर तालीमी इदारों में 31 मार्च तक तातीलात का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने भी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया। उधर पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।